गुरुग्राम में प्रवासी हरियाणा सम्मेलन 2017 के दूसरे आखिरी दिन के कार्यक्रम में हरियाणा के अब तक के विकास भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस सम्मेलन में डॉ सुभाष चंद्रा ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने सबसे पहले हरियाणा की धरती पर समाजवाद की नींव रखी थी, इसलिए महाराजा अग्रसेन के इस प्रयास को सरकार साथ लेकर चले। हरियाणा से दिल्ली आया तो दिल्ली में लोग बोलने लगे हरियाणा वाला, और जब दिल्ली से मुंबई चले गए तो बोले भाई दिल्ली वाला है, पर फिर भी दिल तो हरियाणवी था, है और कुछ इस अंदाज में राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा ने हरियाणा से अपने जुड़ाव का इजहार किया। उन्होंने बताया कि आखिर कैसे सूबे के लोगों ने दुनिया भर में हरियाणा के हुनर और मेहनत का डंका बजाया है। इसके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत और महाराजा अग्रसेन के समाजवाद की शिक्षा को प्रेरणा बताया। तो इस धरती ने भाइयों बहनों कर्म और समाजवाद दोनों की जो कूट कूट के हमारे खून में रगों भरा हुआ है, मुझे मैं समझता हूं कि वही कारण है, चाहे वो आर्ट के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो। अमेरिका में कितने डॉक्टर्स हैं आप में से लोग, कितने और बच्चे बड़े, किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि वो कामयाब ना हो। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि हरियाणवी आज हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से खास अपील भी की। राज्यसभा सांसद ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के समाजवाद के प्रयास को भी सरकार साथ लेकर चले। एक रिक्वेस्ट मुख्यमंत्री जी से और हरियाणा के ऑफिशियल से कि हरियाणा में महाराजा अग्रसेन को मत भूलिए, उन्होंने जो समाजवाद की शिक्षा दी, इस विश्व को दिया, उसको भी अपनी प्रेजेंटेशन में रखें, कृष्ण की कर्म की भूमि के अलावा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा समाज के शोषित, दलित और पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात हमेशा से करते आए हैं, इसीलिए उन्होंने प्रवासी सम्मेलन में भी समाजवाद के सिद्धांत पर जोर दिया। राजन शर्मा, जी मीडिया, गुरुग्राम।